एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप है हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज एक खास खबर से। मोहभंडार बाजार में पूर्व की तरह सब्जी बाजार लगाने को लेकर सोमवार की देर शाम मोहभंडार बाजार समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थायी एवं अस्थायी दुकानदार उपस्थित हुए। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने प्रेस वार्ता में जीडीएम को बताया कि लॉकडाउन होने के कारण प्रशासन द्वारा मोहभंडार बाजार से साप्ताहिक हाट बारी मैदान स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के बाद सभी दुकानदारों ने सब्जी हाट को बारी मैदान से स्थानांतरित कर वापस मुख्य बाजार के अंदर लगाने को लेकर स्थानीय प्रशासन से मिलकर आवेदन सौंपा गया था। दुकानदारों ने जीडीएम के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि अब कोविड का दौर खत्म हो गया है, इसलिए बाजार को पहले के स्थान पर लगाया जाए। अगर सब्जी बाजार पहले के स्थान पर लगेगी तो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लोग सब्जी खरीद पाएंगे। बाजार में सभी तरह की सुविधा भी है, इससे बाजार के सभी दुकानदारों को फायदा होगा। बैठक में बाजार समिति के अध्यक्ष कालटू चक्रवर्ती, सचिव रवि सिंह, विद्युत मजुमदार, अहमद हुसैन, प्रदीप साह, उमेश जायसवाल, संदीप कुमार, मंजर हुसैन, सूरज प्रसाद, गणेश जायसवाल, तापस पाल, अब्दुल रजा, हासिया अहमद, दिनेश अग्रवाल, कार्तिक राव, गणेश साहू, दिवाकर से समेत कई सदस्य मौजूद रहे। मोहभंडार से रिपोर्ट सिद्धार्थ अरंग। देखिए, निर्णय यही है कि ये जो है समस्या है, आज का समस्या नहीं है, ये कोविड का पहले का समस्या है। और ये जान रहे हैं मोहभंडार बाजार जो है एशियल द्वारा निर्गत किया गया बाजार है, ये अंग्रेज के ज़माने से बाजार जो है चल रहा है। ये बात किसी से छिपा नहीं, मैं बना के बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने बुजुर्ग से भी पूछिए, अगल बगल के जो पुराने लोग हैं सबसे पूछिए, मैनेजमेंट से भी पूछिए। ये कंपनी द्वारा एलोटेड दुकान है, एलोटेड मार्केट है। और ये कोविड के कारण जो है प्रशासन द्वारा हम लोगों को ये कहा गया था कि कोविड के बाद अपना स्थान में पुराना स्थान में फिर आ जाएगा, क्योंकि कोविड के कारण हमारा जो एलोटेड जो दुकान था, सिर्फ सब्जी दुकान जो है कोरोना में चलता था, उसके कारण जो है उसको जो है शिफ्ट किया गया था सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। और जो पहली लहर था, पहली लहर के बाद जब ख़त्म हुआ तब प्रशासन ही नहीं इसको जो है मार्किंग करके जो है सारे सब्जी वाले को जो बैठाया था। और आज दूसरा जो लहर ख़त्म हो गया, अभी समझ में नहीं आ रहा राजनीति क्या हो रहा। तो मैं यही कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन जो है उसको लेके गया है जिस तरह, उसी तरह जो है फिर दोबारा लाने का काम करे। ये मैं समझता हूँ जो है दुकानदार जो लोग हैं, ये जो राजनीति ये लोग करते नहीं है, ये लोग अपने पेट से मतलब रखते हैं। और सब्जी मार्केट यहाँ नहीं रहने के कारण सब्जी वालों को भी दिक्कत हो रहा है, यहाँ के जो लोकल परचेस करता है सब्जी को उसको भी दिक्कत होता है, क्योंकि सवेरे जो है 12 बजे बंद हो जाता है। और 12 बजे बंद होने के कारण जो है सब्जी जो है ऊंचा रेट में खरीदने पड़ रहा है ग्राहक को। और शाम होने से क्या है ना, इसके ये भी कारण है कि दुकानदार भी कम माल ला रहा है और सवेरे 12 बजे बेच के चल जा रहा है। यार, मोहभंडार बाजार में रहने से रात तक दुकानदारी होता है, सब्जी भी ज़्यादा आता है, दुकानदार को भी सब्जी वाला को बिक्री ज़्यादा होता है, रेट ग्राहक को भी शाम के समय कम होता है। और सारे दुकानदार एक दूसरे के पहलू है, मान लीजिए कोई किताब लेने आया तो आलू ले लिया, कोई आलू लेने आया तो दवा ले लिया, कोई दवा लेने आया तो भिंडी ले लिया, सब्जी ले लिया, कोई बैग लेने आया तो नींबू ले लिया। तो इसी तरह सभी जगह का ही नहीं हुआ, इसी पर्पज़ से जो है कंपनी ने अलॉट किया था। और अभी कौन सा ऐसा बात हो गया कि भाई, मैं समझता हूँ इसमें जो है प्रशासन को पहल करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में जो है ये जो है समस्या जो है और विकराल होगा। और ये बाजार समिति के लोग जो है पीछे नहीं हटेगा, ये अपना मांग है, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेगा। देखिए, आज जो है कुछ लोग जो है विरोध कर रहे हैं, पता नहीं किसने विरोध कर रहा है। अरे भाई, जहाँ विरोध है वहाँ नहीं जाएगा, और जहाँ बाजार है मार्केट के अंदर दुकान लगाइए, क्या दिक्कत है। अभी मान लीजिए आप अपने स्वेच्छा से किसी को घर का आगे बैठने दीजिएगा, अब बाद में फिर बोलिएगा कि हमारा दुकान के घर का आगे बैठ रहा, तो भाई जिसका दिक्कत है वहाँ नहीं कोई बैठेगा। मैं यही बोलना चाहूँगा और प्रशासन से भी यही अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना मांग है, सारे लोग को जो है कागज़ कलम से दिया गया, लिखित रूप में दिया है, सभी लोगों से बात किया है और सभी लोगों ने हामी भी भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये जो बाजार जो है हमारा पूर्व स्थान में नहीं लगा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि बाजार का जो दुकानदार है, गरीब दुकानदार को समस्या को समझे और इसको जो है बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद है। अब विचार करने के बाद जो है पहले जैसे बाजार लगता था उसको लगाने का प्रयास किया जाए। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि दुकानदारों को मजबूरी को समझे। और इसमें दुकानदार कोई नया बात नहीं कर रहा है, आपने जो है बोले थे कि कोविड के बाद पहले वेब जो खत्म हुआ था
अब ला के बैठाए थे, दूसरा वेब के बाद आज तक क्यों नहीं आया? ये तो है समझ से पैर है, तो प्रशासन को सोचना चाहिए। आपने उठा के लेके गया, आपको है जिम्मेवारी बनता है, आपको ये लाने होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुआ है उस पर हम लोगों का मेन मुद्दा था मोहम्मदर बाजार को जो यहाँ से कोविड के टाइम में शिफ्ट कर दिया गया था, और यही कह के कि भाई चूँकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन तो सारे दुकान बंद थी, जितने भी दुकानें हैं वो सारे दुकानें बंद थी, सिर्फ सब्जी ही का परमिशन था। तो प्रशासन का कहना था कि सब्जी में चूँकि सोशल डिस्टेंस ज़रूरी है तो उसके हिसाब से वो जो है आप लोग वहाँ बारी मैदान पर उसको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन जब कोविड ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद पहला वेव जब ख़त्म होने के बाद फिर से बाज़ार को यहाँ लाया गया और प्रशासन खुद ही लेके आया यहाँ पर, और उसके बाद जब सेकेंड वेव आया तो फिर से उन लोगों को वहाँ ले जाया गया। अब सेकेंड वेव भी ख़त्म है और कोविड का प्रकोप भी अब लगभग ख़त्म पे है, लेकिन इस बार जो है सेकेंड वेव के बाद मार्केट को जो है यहाँ लाने का प्रशासन जो है अभी तक तैयार नहीं है। चूँकि ये जो हाट है, ये हाट का मकसद ही है मोहम्मदर बाज़ार को आगे बढ़ाना। अब यहाँ सिर्फ सब्जी दुकान नहीं, बहुत सारा ऐसा दुकान है, मनिहारी दुकान है और ऐसा लोहा लक्कड़ है, उसके साथ बहुत सारा छोटा मोटा दुकानदार जो हाट पर ही आके बेचते हैं। सब्जी भी कैसा है कि बस सिर्फ वर्कर ही नहीं है जो सब्जी लेने के लिए आते, बहुत सारे रेजा कुली जो 4:30 बजे 5 बजे उनका छुट्टी होता है तो वो लोग क्या है बाज़ार में आके सब्जी उब्जी लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ आधा बेला का दुकानदारी है। अब आधा बेला में क्या होता है कि जो टाउन के लोग हैं वो तो लेके चले गए, लेकिन जो उस तरह के लोग हैं जो शाम को ही मार्केट करते हैं उनके लिए अब दिक्कत हो जा रही है। तो इसलिए हम बाज़ार समिति का भी ये कहना है कि भाई जब ये चीज़ ख़त्म हो चुका है तो बाज़ार को फिर से अपने जगह पे लाना चाहिए, और ये काम प्रशासनिक तौर पे जो कोई हुआ तो प्रशासन को ही जो है यहाँ पर उनको पहल करना चाहिए। हम दुकानदार अगर करेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं आने मांगते हैं, तो हमारा प्रशासन से इसके पहले भी रिक्वेस्ट था, हमने SDM को और भी जो प्रशासनिक अधिकारी उनको हमने को रिक्वेस्ट किया, लिख के भी दिया कि मार्केट को इस बाज़ार पर अपने पूर्ण स्थान पर ले आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया। हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि बाज़ार जो है वो फिर से अपने पूर्ण स्थान पर आ जाए ताकि उनका रोजी रोटी भी चल सके, और हम जितने भी दुकानदार हैं जो अस्थाई दुकानदार हैं जिनका कारोबार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है हाट के उठ जाने से, तो वो फिर अपने अपने फिर से अपने कारोबार को फिर सही ढंग से कर सके, ये हम लोगों का डिमांड है। और यथाशीघ्र जो हाट है इस जगह पे अपने पूरे स्थान पे लगने का हम लोग का रिक्वेस्ट कर ये होनी चाहिए, बस यही हम लोग कहना है। बाज़ार का जो समस्या है जो बाहर दुकान लग रही है सब्जी की, आज हमारा 69 एज हो गया, अंग्रेज के टाइम से यहाँ मार्केट लगते आया। कोरोना काल में सरकार का ऑर्डर हुआ बाहर जाने के लिए, बड़ा बाबू आए थे तिवारी बाबा, वो लेके चल गए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो रोक रहे हैं, जो भी रोक रहा हम भी रोकेंगे तो हम भी माने देश का कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर से हेडक्वार्टर से जो खबर आया था कि हटा दो दूरी बनाओ, उसको हम लोग बनाया और अब रोक रहे हैं आने के लिए, तो ये माने हम अपने देश का माने कानून का उल्लंघन कर रहे हैं कोई भी हो। अच्छा इसके बारे में बाज़ार का भी पोजीशन है, आप देख रहे हैं उधर आते हैं सब्जी वाले लोग धूप में बैठ रहे हैं, ना पानी है ना वहाँ कुछ है, पेशाब पैखाना नहीं है, जो कहीं जाएगा आएगा आदमी रास्ता में खड़े होकर कर रहे हैं, कोई गुरुद्वारा का दीवार में कर रहे हैं, ये तो गलत काम है ना। धर्म स्थान में कोई पेशाब करेगा कोई भी नहीं मानेगा, किसी का भी हो। तो इसके बारे में प्रशासन ले गया था, प्रशासन का फर्ज बनता है कि ले आए तो अच्छा है, हम तो यही जानते हैं। ये जो बाज़ार है ना ये ब्रिटिश के समय से है, आजकल नहीं, अंग्रेजी लोग बाज़ार बैठाया है यहाँ पर ही। हम लोग तो बहुत कम दुकानदार थे, आस्ते आस्ते दुकान बढ़ा है, उसके बाद ब्रिटिश के समय से बाज़ार यहाँ लग रहा है। क्वार्टर वाले लोग अभी आया है, 2-4 क्वार्टर वाले के घर के लिए पूरा कम से कम 200 दुकानदार के पेट में लात मारा जा रहा है। अब प्रशासन के गलत रवैया से, प्रशासन चाह लेगा तो 2 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, प्रशासन कुछ नहीं चाह रहा है, कुछ करना नहीं चाह रहा। प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ है, खाली देख रहा है क्या हो रहा है, और हो सकता है ये बाद में उग्र आंदोलन भी हम लोग करना पड़े तो हम लोग करेगा। बाज़ार समिति की बैठक हुई और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई, जैसे कि जब बाज़ार अंदर आने की बात हुई, कोरोना काल के पहले सारा कुछ यहीं चलता था, ब्रिटिश समय से चलता था, हम लोग के बाप दादा बाज़ार को देखते हैं जो कंपनी में नौकरी करते थे, और मेरा भी यहाँ दुकान है, घर भी इसी ए ब्लॉक में है। और वापस आने के समय प्रशासन बोला था कि हम लोग बाज़ार ले जा रहे हैं, कोरोना का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का पालन के चलते वो लेके गए, फिर बीच में बाज़ार अपने वापस स्थान पर आया और यहाँ के दुकानदार बहुत खुश हुए, फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ा, फिर वापस गया बाहर गया,
हम लोग उसके समर्थन किए, हम लोग दुकानदार लोग भी अपना दुकान बंद रखे थे, काफ़ी समय बंद रखे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन फिर जब कोरोना काल टल गया तो अभी नियमतः दुकान फिर से वापस अंदर आनी चाहिए थी, तो कुछ लोगों को आपत्ति हुआ इसमें कि उनका रास्ता जाम होता है, एम्बुलेंस नहीं आता है, स्कूली बच्चे आ जा नहीं पाते, गंदगी और गाली गलौज होता है, माँ बहन बाहर नहीं निकल पाती है। तो हम लोगों का यही कहना है कि विवादित जगह में हम लोग बाज़ार नहीं लगाएंगे, है ना। तो वो लोग जो जो आपत्ति किया था उनको सहमत होना चाहिए था, तो सहमत होने की जगह वो और बाज़ार समिति पर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास जगह कहाँ है बाज़ार बैठाने का, आपके यहाँ पे अतिक्रमण भरा हुआ। एक तो अतिक्रमण वो है, अतिक्रमित स्थान तो जहाँ अभी बाज़ार लग रहा है वो है, और इसको अतिक्रमण का जगह बताया जा रहा है। मेरा बोलना यही है कि हमारे पास जगह है, बाज़ार समिति का इसके पास अपना अधिकार है, वो कहाँ बैठा है कि बाज़ार समिति जानती है। आप बताने वाले कौन होते हैं, आप आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? जगह देना बाज़ार समिति का काम है, क्वार्टर वाला का तो कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और आपके विवादित रास्ता में हम लोग कोई बाज़ार नहीं लगाएंगे। हम लोग आज बैठक में GTN न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर जो भी दुकानदार इस बाज़ार से आश्रित है, उनका भी बाल बच्चा परिवार है, आज बाज़ार शाम तक नहीं लग रहा है, सप्ताह में दो दिन ये लोग अच्छा कमाते थे, अच्छा जीवन यापन करते थे, अब वो कहाँ रहा। काफ़ी कमज़ोर, ये लोग का भी अर्थव्यवस्था अंदर से पैसा का मामला बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। प्रशासन को चाहिए कि दुकान को वापस लाए, है ना, और हम लोग को मजबूती दे, पूरा बाज़ार को मजबूती दे, बाज़ार का सुंदरता को बढ़ाए। और जो जगह पर अभी बाज़ार लग रहा है वो एक तरह से घूमने टहलने का सार्वजनिक कार्यक्रम करने का स्थान था, उसको अभी मुक्त कराए। केला खरसावा जिले के आदित्यपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बीती रात गमरिया स्थित कृष्णा मेडिकल स्टोर में हुई फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए अपराध कर्मी बबलू पूर्ति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बबलू के पास से 7.65 mm पिस्टल, 7.65 mm जिंदा कारतूस, 7.65 mm का खोखा, एक स्विफ्ट डिजायर कार और दो मोबाइल फोन बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए SDPO हरविंदर सिंह ने बताया कि अपराधी ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि वह क्षेत्र में अपना खौफ पैदा करना चाहता था, इसी उद्देश्य के साथ दुकानदार पर उसने गोली चलाई थी। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पिस्टल, जिंदा कारतूस, स्विफ्ट डिजायर कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास आदित्यपुर में कृष्णा मेडिकल स्टोर के सामने दो लड़कों द्वारा अज्ञात गोली चलाई गई। गोली किस कारण से वो उस टाइम हमें ज्ञात नहीं था, जैसा हमने आपको पहले बताया था, बट उसकी जांच की गई तो जो इसमें कांड में संलिप्त जिन्होंने गोली चलाई है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बबलू पूर्ति नाम है उनका, और उनके साथ जो है जो दूसरे व्यक्ति थे वो भी फरार चल रहे थे, उनकी पहचान हो गई, उसकी उनकी पहचान हो गई है, उनकी पहचान हो गई है, लेकिन अभी वो फरार चल रहे हैं, गोपनीय रखने के कारण अभी उनका नाम नहीं बताया जा रहा। दूसरी बात है कि इस कांड में जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है, एक जिंदा गोली 7.65 mm की बरामद हुई है, दो खोखा बरामद हुए और एक उनकी गाड़ी और दो मोबाइल जब्त किए। तो ये बहुत ही आप मानेंगे तो बहुत प्रोफेशनल काम हुआ, बहुत जल्दी डिटेक्शन हुआ, लगभग 5 घंटे के अंदर जो है इस कांड में संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी दूसरा भी जो फरार व्यक्ति है उसको भी हम गिरफ्तार करके आगे न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। किसी तरह का आपराधिक इतिहास भी? आपराधिक इतिहास तो अभी तक कोई सामने नहीं है, अगर आएगा तो उसको जुडिशरी को बता दिया जाएगा, कोर्ट को बता दिया जाएगा। तो गोली चलाने का कारण क्या? गोली चलाने का कारण जैसे कि आप जानते हैं आमतौर पर रहता है कि एक माहौल बनाना, अपना एक भय का माहौल बनाना और अपना वर्चस्व प्रयास करना, कुछ लोग करते रहते हैं नए नए प्रयास, इसके उनको नहीं पता था लेकिन इतनी जल्दी पकड़े भी जाएंगे और उनका जो भी प्लान है वो चौक पर ले आएंगे। आंधी तूफान से घाटशिला अंतर्गत मोहभडार कांग्रेस कार्यालय के समीप 70 वर्षीय वृद्धा के घर का तिरपाल उड़ जाने के कारण आज पूर्व पंचायत समिति सदस्य निर्मला शुक्ला, पूर्व मुखिया मनीता सुंडी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी समाज सेवी प्रदीप साहब पिंटू उनके आवास पहुंचे और नए तिरपाल एवं सहयोग राशि देकर उनकी सहायता की। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ। कल जब संध्या देर शाम को आंधी आई थी तो मुझे सूचना मिली
कि यहाँ वंदना चाची का घर पर छत जो है वो प्लास्टिक का पहले से था, वो उड़ गया और अंदर आंधी बारिश में उनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो सूचना मिलते ही मैंने यहाँ पर तिरपाल का व्यवस्था कराया और सहयोग राशि जो भी यथासंभव हो सका इनको सहयोग राशि दी और आगे के लिए इनका घर को हम लोग हमेशा मरम्मत कराते रहेंगे और जो भी सहयोग रहेगा देते रहेंगे। पूरे पंचायत में हम लोग जितने भी लोग हैं एक समूह बनाकर अब कार्य करेंगे। हम लोग चुनाव में हार गए तो क्या हुआ, जनता का सहयोग मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस जो हम लोग को सीख मिला है उसका हम लोग हमेशा पंचायत और पंचायत से जुड़े और भी क्षेत्रों में इसका जरूर सहयोग करेंगे, कार्य करेंगे और सारा जनता का आशीर्वाद चाहिए हम लोग को। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा शुरू से जनता देती आई है वही देते रहे। आज मैंने हवा तूफान के कारण एक महिला का घर उड़ गया, जिसके कारण हम लोग मिलकर के एक तिरपाल दिए हैं और कुछ सहयोग राशि दिया गया जिससे अपना कुछ सुधार किया जाए। मैंने अभी टेम्प्रोरी के लिए तिरपाल दिया गया, आगे चल के इनको बढ़िया से इनकी व्यवस्था कर दी जाएगी क्योंकि एक महिला है और हम भी एक महिला, तो हम चाहेंगे कि महिला का सहयोग किया जाए और हार जीत के इससे कोई मायने नहीं रखता है। और हम पहले भी सहयोग करते थे और आज भी सहयोग करेंगे और आगे चल के भी सहयोग करेंगे। कोई भी हमारे पंचायत के लोगों को कोई मेरे रहते हुए कोई मिसयूज नहीं कर सकता और हर पंचायत के जितने भी व्यक्ति हैं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबके आगे निर्मला शुक्ला खड़ी है और जिसको भी जो करना है अपना हथकंडा अपना सकता है और अपनी जनता के सुरक्षा के लिए पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी रहूंगी और आगे चल के भी खड़ी रहूंगी क्योंकि मेरे पंचायत के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। एक बात और कहना चाहते सभी जनताओं से, ये ना हिचकिचाए कि मतलब हम पंचायत प्रतिनिधि नहीं है, हम यहाँ दो बार पंचायत प्रतिनिधि रह चुके हैं और जितना हमको अनुभव है शायद किसी नए पंचायत प्रतिनिधि को नहीं है। तो सभी जनता से अपील है कि किसी भी कार्य के माध्यम से अगर हमसे मदद चाहिए, चाहे काम करवाना हो, चाहे महिला, विशेष करके महिलाओं को विशेष भूमिका देंगे, हमसे कांटेक्ट कर सकते मिल सकते और उनके कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उनको सॉल्व करने के लिए खड़ा उतरेंगे। पहले भी करते थे और आज भी करेंगे, आगे चल के भी रहेंगे क्योंकि हमारा सेवा करना जनता के लिए ये मेरा परम धर्म है। सबसे पहला मेरी जनता भूमिका रखती है, बाद में मेरा घर परिवार रखता है। ये लोग सब मिलकर मदद कर मदद किया और हम लोग का मुखिया जो मनीता सुंदी, एक महिला का घर पूरी तरह से प्लास्टिक उड़ चुका है तो आज हम लोग उसको कुछ हम लोग प्लास्टिक दिए हैं और कुछ सहयोग राशि भी दिए हैं। पहले भी हम समाज सेवा करते थे और अभी भी हम समाज सेवा करेंगे। सावनी प्रखंड अंतर्गत पारुलिया ग्राम के माहली साई टोला निवासी निमाई बेसरा का कल शाम के आंधी बारिश के घर छत एडवेस्टर सहित उड़ गया। सूचना मिलते ही पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने आज उनके घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें त्रिपाल दिया एवं कुछ आर्थिक सहायता दी तथा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष तुषार कांत पाठक, मंडल महामंत्री विष्णु रजक, जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुरेश महानी, भाजपा नेता साकेत अग्रवाल उपस्थित थे। मुसावने से रिपोर्ट सिद्धार्थ।